अभी बाजार में देखने में आया है कि नोटबंदी जो हुई है उसके बाद नोटबंदी को लेकर, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, मोदी जी को लेकर काफ़ी पतंगे बाजार में आई है। हालांकि चाइना की पतंगे भी दिखाई दे रही है, पर हम लोग चाइना का विरोध करेंगे और देशी पतंगे ही उड़ाएंगे। इससे एक संदेश जाएगा, लोग जो उड़ाएंगे लोग देखेंगे, आसमान में भी स्वच्छता का एक संदेश जाएगा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, इस वजह से इस तरीके की पतंगे बाजार में आई है। चाइना के धागों को लेकर कलेक्टर साहब ने रोक लगाई है, अच्छे पहल है। और चाइना का जिस तरीके से चीनी वस्तुओं को हमने दिवाली के टाइम पे विरोध किया था, अभी भी विरोध करना चाहिए और हमें देशी माजों से पतंग उड़ानी चाहिए। नई तरह की पतंग उड़ाई है, जैसे कि मोदी जी के नोट वाली आई है, सुरक्षा अभियान वाली आई है, माँ तुझे सलाम, और कई तरह की पतंगे हैं, जैसे कि रंग बिरंगी पतंगों के अंदर, चाइना की पतंगों के अंदर है अपने नई नई टाइप की वैरायटियां, जैसे डोरेमोन की है, केमनजेरी की है, बाज की पतंग है, और अपनी जो परंपरागत पतंग वाली है वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया पतंग है अपने पास, जैसे कि खम्बात की पतंग है, बरेली की पतंग है, रामपुर की पतंग है, जयपुर की पतंग है, जोधपुर की पतंग है। 100 रुपये से लेके तो मतलब 300 रुपये तक की पतंग है। डिमांड में तो मोदी जी के नोट वाली नोट चल रही है, स्वच्छ अभियान वाली चल रही है, जैसे कोई चेन वाला मांग रहा है, कोई साकल वाला मांग रहा है, कोई वर्धमान का मांग रहा है पांडा, तो हम चाहे यही समझा रहे हैं कि आपको भी तकलीफ होगी और दूसरों को भी तकलीफ होती है, इसलिए हम बोल रहे हैं चाइना का मंजा ना लें और इससे बचें। हम अभी जो नई चल रही है चाइना की पतंग, जैसे आप देख ही सकते हैं, अच्छी नई नई अट्रैक्टिव पतंग आ रही है, और अभी जो लेटेस्ट भैया वगैरह ने लेके आए हैं मोदी जी की पतंग, जो 1500 के नोट बंद हो गए हैं वो भी, और जो नए आए हैं 2000 के नोट वो भी। नहीं, चाइना के धागे तो बंद हो चुके हैं, चाइना के लिए एक बैंडेड भैया लेके आए हैं और ग्लव्स लेके आए हैं भैया, सब प्रिकॉशन यूज़ करने के बाद ही हम यूज़ करेंगे मान जाओ।